हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका राज की दुनिया में। ओम साईना। तो जी हाँ, राज आप लोगों के हाजिर है घर की पहली शादी का एपिसोड 6 लेकर। 6 6 6 6, आई एम श्योर आपको मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे ड्रेसअप होने मिल रहा है। जी हाँ, हाजिर है राज एपिसोड 6 लेकर। खूब मस्ती करी कॉकटेल में, सोते 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 4-5, एज यूजुअल एवरी डे हम लोग गुड मॉर्निंग करके ही सो रहे थे। नेक्स्ट डे था हमारा इवेंट मेहंदी का, जो बहुत मज़े लगे, बहुत मज़े। तो मेहंदी में तो मैं ग्रीन नहीं पहन पाई थी, तो मैंने कहा चलो आज ही ग्रीन पहन लेती हूँ। ऐसा नहीं था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, पर्पजली आई डिन ऑप्टेड ग्रीन, क्योंकि वो मोनोटोनस मुझे हटानी थी, अलग करनी थी और की कोई ड्रेस तो ऐसा। तो जी हाँ, मेहंदी का फंक्शन था अगले दिन मॉर्निंग ही। वंशिका के हमने पैरों की जो मेहंदी लगनी थी वो हमने मॉर्निंग में ही रखा था, तो मॉर्निंग ही वो आ गए एंड एकदम ऐसा लगा कि शादी वाला घर चल ही रहा था। तो ढोलकी इज मस्ट शादी वाले घर में बजना। फिर वंशिका के पैरों पे मेहंदी लगी एंड क्योंकि फिर से इवेंट में शाम को दोनों जगह मेहंदी लगवाना बहुत मुश्किल हो जाता, वंशिका फिर इंजॉय नहीं कर पाती। तो जी हाँ, हमने खूब फन किया सुबह में हम सब सिस्टर्स, और थोड़ा सा माहौल सेंटी भी हो गया। हर ऑल द मॉसीज दे स्टार्टेड क्राइंग, नानी स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज सेंटी, तो वो थोड़ा सा सेंटी वाला माहौल भी चालू हो गया। उसके बाद यस, गौरी एज यूजुअल शी वाज देयर एंड वी हैव बुक्ड अनदर मेकअप आर्टिस्ट फॉर दैट डे। शी हैज ऑल्सो डन अ गुड जॉब द ब्लॉग में भी, सब ने बहुत अच्छे से किया। बहुत छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आई थी मैं मेहंदी के लिए, अभी नहीं है वो फिनिश हो गया, तो आई हैव टेकन फ्रॉम ये सारी छुटपुट जो भी शॉपिंग थी मैंने चांदनी चौक से करी थी। तो मैंने पोटली बैग्स लिए थे और उसमें मैंने एक एक बैंगल, फ्लावर वाले रिंग एंड एक छोटू छोटू सी डब्बी थी जिसके अंदर मैंने वो रिंग डाली थी एंड मिश्री एंड बिंदी, ये सब सामान मैंने, आई एम श्योर मैं कुछ नहीं मिस कर रही हूँ, तो ये सब एक पोटली बनाई थी। और इस ऐसी छोटी छोटी आपको एथनिक चीज़ें पॉकेट फ्रेंडली चाहिए तो चांदनी चौक इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। वहाँ आपको आप लो से हाई दोनों रेंज बहुत अच्छे से मिलती है। तो देन जिस दिन हमारी मेहंदी थी उसी दिन हमने घड़ोली भी प्लान की थी, तो सॉरी घड़ोली नहीं, हमारे में जागो होती है पंजाबियों में, सो दैट माई जो कज़न जिठानी है शी हेल्प मी फॉर ऑल दैट, क्योंकि मुझे लगा रिचुअल्स करने कुछ चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो यू शुड आस्क अपने एल्डर्स को। तो हम लोगों ने वो सब मैनेज किया। पहले सोचा था कि जागो घर आकर करेंगे, बट पता था कि ये लेट होने वाला। देन माय भाभी ने सजेस्टेड मी कि आप वहीं कर लो मेहंदी के बाद, थोड़ी देर के लिए जागो रख लेना एंड पूरा राउंड ले लेना। तो कई लोग क्यूरियोसिटी हो रही कि जागो क्या होता है, जागो क्या होता है, शादी वाले घर वाले वो मटकी सी लेकर जाते हैं और सबको उठाते हैं रिश्तेदारों को कि जागो जागो ये शादी वाला घर है, कोई नहीं सोएगा। सो ये इसका मोटिव होता है। एंड देन जिनके घर जाकर वो रुकते हैं, जिन जिनके यहाँ टुडे ऑफर देम सम टी स्नैक्स और ये सब होता है, खूब मस्ती होती है, ये पंजाबियों का रिचुअल है। तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा सरप्राइज रखा था हर्षित होना के लिए कि हम वहीं पर करेंगे एंड दे वर लाइक ये क्या है। एंड वी ऑल लड़की वाले लड़के वाले दोनों ने जागो की एंड इट वॉज वेरी 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 मच फन। सो ये छोटे छोटे गिफ्ट सबको बहुत पसंद है मेहंदी के एंड एवरीथिंग वेल प्लान्ड, सब शॉपिंग हो गई थी। तो सब ने इनफैक्ट कईयों ने तो उसी टाइम भी पहन लिए, सिर्फ थोड़ा सा हैसल हुआ था इस इवेंट में कि वो गिफ्ट्स में देना एकदम मुझे एंड में देना याद आया। तो गाइज जब ऐसी कुछ चीज़ें होती तो सब कुछ अपने ऊपर मत ले लीजिए, ये मैंने लर्न किया। कुछ कुछ ड्यूटीज़ आप जैसे किसी को बता दीजिए कि ये करना है ये देना है, और छोटी सी चीज़ आप भी ऐसे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। और डेकोरेशन की पिक्चर आप लोग देखिए, मैंने अटैच की हुई हैं। इट वॉज़ अ कम्बाइंड फंक्शन, अरोड़ाज एंड गावास, इट वॉज़ अ कम्बाइंड फंक्शन एंड बट मोर ओवर लाइक मामा लाइक ओपन थे कि जो भी जगह जहाँ भी मिले इट शुड बी, मैं बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, शुड बी प्रेजेंटेबल इवेंट। तो नो डाउट द प्लेस वॉज रियली ऑसम, डेकोरेशन पार्ट एवरीथिंग दे हैव टेकन केयर, ऑल दो मैं लूप में थी, मनीष लूप में थे, कोलैबोरेटर्स ये सब। वंशिका को वो एक कुछ एक 1 वीक पहले मेहंदी देने आए थे, मैं उसकी कुछ पिक्चर्स अटैच कर दूँगी, उसका अलग से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। अगर आपको देखना हो वो ब्लॉग तो आप
वंशिका और हर्षित के व्लॉग में जाकर देख सकते हो, वो पूरा व्लॉग वहाँ पर है। तो वो सब वो बहुत अच्छे से वो प्रेजेंटेबल करके वो चीज़ें लाए थे। तो वी लाइक आई आस भाभी की, हर्षित की मामा की, कैन आई ब्रिंग दो स्टाफ सो इट लुक नाइस, एंड शी सेड या। एनीवे वंशिका को तो देना ही था वो सब, तो वो सब बैंगल्स और मेहंदी यानी सब जो भी डेकोरेशन आइटम थे हम लोगों ने वहाँ पर जाकर डिस्प्ले कर दी। एंड वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया था, तो बहुत अच्छे रही हम लोग के। सब ने बहुत इंजॉय किया, हम लोग ढोल वाला लेकर गए थे, ढोल वाला हमारा परमानेंट हो गया था पजामा पार्टी के बाद, तो हम लोग ढोल वाला लेके गए थे। डीजे भी था, ढोल वाला भी था, थोड़ी बहुत कटपट कटपट, बट हमने दोनों में इंजॉय किया। तो जागो के टाइम हमने ढोल किया, डीजे के टाइम डीजे, कुछ जो हमारे मेरी हमारी तरफ से था। वंशिका का परफॉर्मेंस था जो सिर्फ मुझे पता था, किसी को नहीं पता था, क्योंकि व्हेन शी यूज़ टू प्रैक्टिस एट होम तो मैं लूप में थी, तो मैं, मनीष और कबीर वॉज इन लूप, श्रेया वॉज ऑल्सो, सो दैट गर्ल हैज़ डन अ लवली जॉब एंड बहुत अच्छे से उसने वंशिका को टीच किया। एंड का ड्रेस मैंने लिया था शाहपुरजट, एंड सेम फॉर वंशिका ऑल्सो, मेहंदी का ड्रेस वॉज फ्रॉम शाहपुरजट, आई एम श्योर यू गाइज नो वेर इज़ अ शाहपुरजट। ओनली थिंग मैं आपको क्या बताना चाहूँगी वेन इट कम्स टू शाहपुरजट, जो आप देखते हैं वो ही ले लीजिए, डोंट गो फॉर कस्टमाइजेशन प्लीज़, क्योंकि वो कुछ बनकर और ही होता है, क्योंकि ये मैंने झेला है, जो मैंने मेहंदी पे ड्रेस पहना था ये मैंने सगन पे पहनना था, बट व्हेन आई सॉ, जब मैंने ड्रेस देखा था वो कलर कुछ और था, रेडिश कलर, रेड कलर, टमेटो रेड कलर था, और वो बहुत सुंदर लग रहा था जब मैंने ट्राई किया। बट मेरा प्लान था शादी में कुछ ऐसा, मैं ऐसा कुछ पहनने का, तो मैंने कहा कि कलर्स दूसरे हो सकते हैं, शी सेड यस, एंड देन ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कलर देखा, ऐसे कुछ गोल्डनिश कलर में गई मैं, एंड वो बनकर मुझे नहीं लगा कि शायद वो कलर इतना उभरा, ऑल दो मैं उसमें बहुत स्लिम ट्रिम लग रही थी, वो मुझे लूज़ भी हो गया था। तो एक टिप और भी है गाइस, ज़रूर अपने कपड़े ट्राई कीजिए, बेशक से हर एक फंक्शन का एक दिन पहले अपने कपड़े मॉर्निंग में ट्राई कीजिए, क्योंकि 19-20 फ़र्क आ जाता है। वंशिका का ड्रेस शाहपुरजट से हमने लिया था, सिर्फ हमने क्या कस्टमाइजेशन किया था, वो लहंगा था। आई डोंट वांट कि वंशिका हर फंक्शन में रिपीट करे कि लहंगे ही लहंगे पहने या साड़ी साड़ी पहने, तो हमने उसको क्या कर दिया था, वो डिवाइडर कर दिया था। तो शी वॉज सो कम्फर्टेबल, शी वॉज डांसिंग, मेहंदी के टाइम भी शी वॉज सो, एंड बहुत ही कलरफुल एंड विद मिरर, लाइक वन ऑफ द बेस्ट कॉस्ट्यूम उसका था वो इवेंट्स में से। तो हमने सिर्फ कुछ कलर्स नहीं हमने चेंज कराए थे, सिर्फ हमने उसको डिवाइडर करवा दिया था। एंड छोटी छोटी स्टोरीज जो थी हमारी मेहंदी की और जागो की, सब आपके सामने मैंने रखा है। तो हर इवेंट में आई ट्राइड कि वंशिका का आउटफिट चेंज होना चाहिए था, एंड दोनों ने अगेन ट्यूनिंग इतना अच्छा किया, हर्षित हैज अ गुड ड्रेसिंग सेंस, तो उसने फटाफट से अब वो जैकेट भी कस्टम उसने अपनी रेडी करी, तो दोनों बहुत ही प्यारे से हमारे गुड्डा गुड्डी लग रहे थे एंड बहुत कलरफुल। आई रिमेंबर कि आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी आस्क मी कि वंशिका ड्रेस कहाँ से लिया है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, तो बस पैसा वसूल हो गया। तो आपको ये ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो hit the bell icon so you'll be notified whenever I post a new video. आज ही मैंने पहले बोल दिया है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गाइज लाइक करने में क्या जाता है, जस्ट हैव टू प्रेस वन बटन, सो डू दैट, इट गिव्स मी अ मोटिवेशन। तो चलिए चलते हैं बल्ले बल्ले करने, जागो आया आओ जी कन, जागो आया। Thank you.
Yo, we are for Harshika and Harry. Thank you.